हेलो गाइस, शुरू कीजिए ट्रेडिंग जर्नी हमारे साथ। हमारे अंडर ओपन करें डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट और आपको मिलेगी हमारे इंट्राडे प्रीमियम चैनल्स की फ्री मेंबरशिप और हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी। उसके लिए आपको करना क्या है, इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आपको जस्ट यहाँ से क्लिक करना है। तो एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर है। तो अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। तो ट्रायल्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक करें। हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली दो दिन के तेजी के बाद। कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं, फिर कल के लिए यानी वीकली एक्सपायरी के दिन क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के क्या लेवल हो सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइए, 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, आज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये टर्न हुआ और यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल के पास यानी कल के हाई के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और टूवर्ड्स साउथ की तरफ है। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ, एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया, बाउंस बैक हुआ और जैसे ही टूवर्ड्स साउथ की तरफ आया तो ब्रेकडाउन लेवल फिर से ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 1551 अचीव हुआ, सेकेंड टारगेट 1528 ये भी अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से जब बाउंस बैक हुआ तो जो लेवल जिसने पहले सपोर्ट का काम किया था इसने जाके फिर रेजिस्टेंस का काम किया और एग्जैक्ट निफ्टी क्लोज भी हुआ है सेकेंड टारगेट के ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास आके क्लोज हुआ। तो काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर, फिर आर्ली चार्ट पर आके हम कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये डेली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। कल जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करके ये देखा था कि इसने 100% का ये लेवल अभी अचीव कर लिया। 15,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है, लेकिन आज जो कैंडल बना है ये शूटिंग स्टार कैंडल से एक पैटर्न जैसा है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल होता है, लेकिन ये सिग्नल है कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर फिर से एक बार एक रेड कैंडल बनना होगा। अगर रेड कैंडल बनता है और टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो अभी जो ये लेवल था, ये लेवल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ये सेकेंड अटेम्प्ट, ये थर्ड अटेम्प्ट, तो जो लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है पास्ट में तो आगे जाके सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हो सकता है यहाँ पर ये इस लेवल के पास आए, 61.8% के लेवल के पास, 14,930.40 के पास, और यहाँ से फिर एक बाउंस बैक करे, क्योंकि काफ़ी बुलिश सिनारियो इस समय वीकली चार्ट में भी हमें देखने को मिल रहा है। ये डेली चार्ट का सिनारियो, अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो जैसे कि हम वीक ख़त्म होने के बाद हर फ्राइडे वीकली आना चार्ट को एनालिसिस करते हैं, तो 20 EMA, ये जो पिंक लाइन है ये 20 EMA का लाइन है। तो यहाँ से हमने देखा कि कैसे फिर से एक बार बाउंस बैक हो रहा है। और RSI को भी देखें तो हमने आर्ली चार्ट में देखा था राइजिंग डबल बॉटम पैटर्न, तो यहाँ पर RSI में भी अभी राइजिंग बॉटम्स बन रहे हैं। ये आप देख रहे थे यहाँ पर लोअर हाइज लोअर लो क्रिएट हो रहे थे, अभी एक बार फिर से राइजिंग बॉटम क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये साइन होता है ट्रेंड रिवर्सल का। तो हो सकता है अभी यहाँ पर अगर निफ्टी इंडेक्स ये वीक दो दिन बचे इस वीक में अगर यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनाता है तो नेक्स्ट वीक में हमें और भी ज़बरदस्त तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। तो एज पर वीकली चार्ट अभी बुलिश सिनारियो फिर से एक बार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो था। जब तक अभी ये स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता यानी 15,150 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक यहाँ पर ओवरनाइट कैरी करना पोजीशन लॉन्ग के लिए काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट साबित हो सकता है। तो वेट करना होगा जब तक ये 15,150 को फिर से एक बार क्रॉस ना करे। तो ये वीकली डेली वीकली और डेली चार्ट का सिनारियो। अभी चलते 60 मिनट के चार्ट में।
इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल हमने देखा था यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करके 60 मिनट के चार्ट में, अगर यहाँ से करेक्शन आता है, क्योंकि फिबोनाची एक्सटेंशन हमने यहाँ पर देखा था 100% का अचीव कर लिया है, तो अगर करेक्शन आता है तो इसका इस टॉप और लो को पकड़ के अगर 23.6% का लेवल देखे तो एग्जैक्ट आज का लो 15,008 बना है और 23.6% का लेवल भी 15,008 है, तो काफ़ी एक्यूरेट ये लेवल साबित हुआ। अभी कल ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो ये नीचे की तरफ आ सकता है 14,928 के तरफ, लेकिन आर्ली चार्ट में इसने 20 EMA को रिस्पेक्ट किया। आप देख सकते हैं 3 घंटे हो चुके हैं, 3 कैंडल बन चुकी है, लेकिन ये 20 EMA को इसने ब्रेक नहीं किया। तो अगर कल अगर ये ब्रेक करता है तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो स्विंग हाई बना है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था पास में, हो सकता है यहाँ पर आके सपोर्ट टेस्ट करे और बाउंस बैक हो। तो कल के लिए हमारी लेवल्स क्या हो सकती है ब्रेकडाउन की, तो आज का लो होगा हमारा कल का ब्रेकडाउन का लेवल यानी 15,008, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा कल के लिए थर्सडे के लिए, और फर्स्ट टारगेट तभी होगा 14,991, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 14,970, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स बढ़ता है तो ये जो लेवल है यानी अराउंड ये लेवल जहाँ पर ये फिर से अगर 5 मिनट के चार्ट में देखें ये फिर से बाउंस बैक हुआ था लेकिन हर्डल फेस करके टूवर्ड साउथ की तरफ आया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिनट के चार्ट में, ये देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 बार इस लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे आया, तो ये कल के लिए हमारा हो सकता है ब्रेकआउट लेवल। तो 15,092 होगा हमारा ब्रेकआउट लेवल, और इसके ऊपर सस्टेन करे तो फर्स्ट टारगेट होगा 15,107, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 15,123, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स हैं। अभी बैंक निफ्टी में चलते हैं, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अगर कल के लेवल्स को देखे आज काफ़ी एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट का ये जो लेवल था एग्जैक्ट इसी के पास इसने कई बार सपोर्ट टेस्ट किया, काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। तो अभी कल के लिए क्या हो सकता है इंट्राडे लेवल, इसके लिए 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। क्लियर व्यू वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये 60 मिनट का चार्ट है। तो यहाँ पर भी ये जो गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ है ये हो सकता है फील हो, और ये जो इनिशियल लेवल था इस गैप का हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो। तो जब तक ये 33,511 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा, इसको अगर ये ब्रेक करे तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 33,433, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 33,343, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और ऊपर अगर निफ्टी इंडेक्स आता है तो आज का ये जो हाईएस्ट क्लोजिंग पॉइंट बन रहा है 60 मिनट के चार्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट में भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया था इस लेवल के ऊपर, आर्ली चार्ट में क्लोज नहीं हो पाया था, तो 33,872 ये हमारा होगा ब्रेकआउट लेवल, और इसके ऊपर सस्टेन करे तो ही बाय पोजीशन बना सकते हो, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 33,945, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 34,18, ये हमारा होगा सेकेंड टारगेट। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए यानी 20th मई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।